मेरे अजीज दोस्तों साथियों, इंसान को शौच के लिए, टॉयलेट के लिए जो एक निजी चीज है, उसके लिए आदमी को सेपरेसी चाहिए। मगर अफसोस की बात है कि आज हिंदुस्तान, जो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे, हिंदुस्तान का कैपिटल, इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई, मुंबई शहर के अंदर मानकू शिवाजी नगर में अगर आप जाएंगे तो आपको अफसोस होगा कि औरतें और मर्द दोनों टॉयलेट नहीं होने की वजह से बेचारे मुंह नीचे करके अपने शौच के लिए सड़क के किनारे रेलवे की पटरी के पास बैठते हैं। एक दिन मुख्यमंत्री जी ने हाउस के अंदर असेंबली में कहा कि हमें एक एनजीओ से सर्टिफिकेट मिला है कि मुंबई में शौच के लिए बाहर कोई नहीं बैठता, सब अपने टॉयलेट में जाते हैं, बाहर सड़क पे कोई नहीं आता। बड़ी ताली बजी। मुझे अफसोस कि कितना झूठ बोलते हैं। उधर एक तरफ हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं कि दुनिया में शायद इतना बड़ा झूठा कोई इंसान नहीं हुआ। हमारे फडणवीस साहब एक अच्छे आदमी, लेकिन ऐसा झूठ बोला उन्होंने। मैंने असेंबली में सवाल उठाया, उनको फोटो दिखाए और उन्होंने मुझे कहा कि अबू आसिम, हम बहुत जल्द, जितने टॉयलेट खराब है गोंडी में, हालत वहां यह है कि टॉयलेट में खड़ा हुआ आदमी लाइन में टॉयलेट धस गया, मर गया। अभी आपने सुना होगा मुंबई में एक बेचारा गरीब यादव परिवार का आदमी टॉयलेट अंदर बैठा था, लोगों ने थोड़ा टाइम लग गया उसको, लोगों ने नॉक किया और बाहर निकला, बोले इतना देर क्यों बैठा, उसको मारा और उसकी हत्या कर दिया। एक महिला बैठी थी शौच के लिए और वो उसकी सीट टूट गई, वो अंदर चली गई, मर गई। ये मुंबई के हालात हैं। मुझे असेंबली के फ्लोर पर यह वादा किया गया कि जो 85 से 90 टॉयलेट्स गोंडी मानकू शिवाजी नगर है मेरे एरिया में, जो बिल्कुल खराब हालत में है, जो कभी भी गिर सकते हैं, उनका ऑडिट हो चुका है, उन्हें बना दिया जाएगा। मैं वहीं ठहरा नहीं, मैं सीधे गया अपने वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर के पास और मैंने उनसे कहा कि सर आप मुझे फंड दीजिए। तो उन्होंने कहा कि फंड की जरूरत नहीं है, जितना भी टॉयलेट बनना बन जाएगा। उन्होंने उस वक्त कमिश्नर साहब को फोन किया, मेहता साहब को, कि यहां टॉयलेट बनाइए। मेहता साहब ने मुझे टाइम दिया, बड़े अच्छी तरह मुझे मिले और उन्होंने मुझे 3 मीटिंगें बुलाई। मैंने कहा सर मुझे कुछ नहीं, मुझे बताइए आपकी मेरा मानकू शिवाजी नगर का टॉयलेट इस्तेमाल के काबिल कब होगा। तो उन्होंने मुझे 3 मीटिंग करने के बाद कहा अबू आसिम, आपका मानकू शिवाजी नगर में 85 से 90 टॉयलेट जो खराब है वो सब नया बनेगा और जितनी जरूरत पड़ेगी नया बनेगा, वो सब के सब फरवरी 2018 में इस्तेमाल के काबिल हो जाएगा। मैंने आके बहुत खुशी का इजहार किया, अपने इलाके में बोर्ड लगाए, लोगों से कहा कि देखो भाई आज हमारे संघर्ष से 85 से 90 टॉयलेट नया बनने जा रहा है, आप लोग फिक्र मत कीजिए। आज तक टॉयलेट नहीं बना, उसका टेंडर पास नहीं हो रहा है, अंधेर नगरी चौपट राजा। मैंने तय किया है कि मैं आने वाले 24 अक्टूबर को 3 बजे मैं एम ईस्ट वार्ड, मानकू शिवाजी नगर का जो म्यूनिसिपल वार्ड है, वहां घेराव करूंगा और सरकार को बताऊंगा कि अगर आपने टॉयलेट नहीं बनाया तो मैं ईंट शीट बजा के रख दूंगा। ये बर्दाश्त करने के काबिल चीज नहीं है। हाउस के फ्लोर पर बोलने के बाद वादा पूरा नहीं हो रहा है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप उन गरीबों की हालत देखिए, बेचारे संडास जाने के लिए जगह नहीं है, परेशान है लोग। आप सब लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप भारी तादाद में आइए और एम ईस्ट वार्ड पे 3 बजे जमा होकर के सरकार को बताइए कि जब तक ये टॉयलेट बनेगा नहीं, हम खामोश बैठने वाले नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर आएंगे इसमें। शुक्रिया। रात्रि के इस पावन पर्व में मुझे शौचालय की ईंट रखने का सद्भाग्य मिला, मेरे लिए वह भी एक पूजा है। अगर मुश्किल काम मोदी नहीं करेगा तो कौन करेगा।